गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू थर्ड चैप्टर लिमिट ऑफ माइंड्स. द लास्ट क्वेश्चन वॉज लेफ्ट क्लियर. द क्वेश्चन नंबर इज 18, पेज नंबर 61. Clear? It is a group discussion question. In your class, we can do that. But let us write the answer. In this question, the first point is there that what was Eklavya determination or desire? So student, all of you know there that Eklavya want to become a great archerian. And he was inspired from the magical art of Dronacharya. And same question, in the same question you will find another points. What was the problem in Eklavya life? Eklavya ke life mein kya problem tha? The first, humne dekha first points, class mein discuss karna hai beta is class, is points ko. To kya tha? Ke first teacher jo the Dronacharya, unhone kya kar diya tha? रिफ्यूज्ड कर दिया उन्हें. किसको? एकलव्य को पढ़ाने से. बिकॉज ही वॉज लो बॉर्न एंड ही यूज टू टीच ओनली हाई बॉर्न पीपल. क्लियर. अनदर प्रॉब्लम क्या आया? व्हेन द्रोणाचार्य हैड शोन द टैलेंट ऑफ हिज आर्चरी ही शॉक्ड. इज इट राइट? हमने देखा था ना. देन व्हाट ही हैड डन? ही आस्क्ड. क्लियर. For his right thumb as a Guru Dakshina, he thought that. उसने क्या सोचा? In future he will never become a great archerian as Arjuna and Kuru princess. Clear? तो ये problem एकलव्य face कर रहे थे अपने life में. Right? अब third part है उसी questions का कि क्या कैसे किया एकलव्य ने. How he become a great archerian after these difficulties also. इतना कुछ कष्ट सहने के बाद भी उसने क्या किया? तो ही नेवर गिव अप. उसने गिव अप नहीं किया. और क्या किया इसने? गुरु टैलेंटेड इंस्पायर्ड हिम. गुरु का जो मैजिकल आर्ट था उसका टैलेंट उसको इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया. एंड ही डिसाइडेड टू कार्व अ स्टैचू ऑफ हिम. और उसने क्या डिसाइड किया कि गुरु का मैं क्या करूंगा? स्टैचू को कार्व करूंगा. और उसने ट्री ट्रंक पे गुरु का, गुरु द्रोणाचार्य के स्टेचू बनाया. एंड व्हाट ही थॉट, उसने सोचा क्या कि गुरुदेव की मुझे आशीर्वाद हर हमेशा मिलते रहेगा. राइट. एंड स्टार्टेड टू प्रैक्टिसिंग आर्चरी. एंड डू यू नो चिल्ड्रन, और ये टैलेंट ही लर्नड टू शूट बाय हिज फोर लिम्स. और उसके बाद हमने क्या देखा कि उसने अपने, क्योंकि गुरु ने क्या किया था, राइट हैंड थम्स एकलव्य से मांग लिया था. तो अब उन्होंने, मींस एकलव्य ने क्या किया, अपने चारों लिम्स का मतलब है बेटा यहां पर हाथ पांव दोनों से, दोनों हाथों से और उसके बाद पांव से भी उन्होंने. और ये टैलेंट अपने आप को ही नहीं सिखाया इसने, एक बड़ा सा आर्मी तैयार किया और सारे सोल्जर्स जो उस आर्मी में पार्टिसिपेट कर रहे थे सारे को ये टैलेंट सिखा दिया गया था कि इन फ्यूचर एनीबॉडी विल आस्क यू द थम्स और इफ यू हर्ट देन यू कैन शूट बाय अनदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. क्लियर. एट लास्ट, और उसने क्या किया भविष्य में कि एट लास्ट ही हेल्प्ड हिज गुरु इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र. और हमने क्या देखा था कहानी के अंत में कि एकलव्य ने क्या किया, अपने गुरुदेव को भी हेल्प किया इस बैटल. क्योंकि वी हैड सीन इन द स्टोरी, हमने देखा था ना, एकलव्य ने एट लास्ट में क्या किया, हेल्प किया. बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र इज गोइंग ऑन बिटवीन होम, किसके किसके बीच में ये लड़ाई हो रही थी? कौरव और पांडव के बीच में. तो एकलव्य ने गुरु का साथ देना चाहा. और इमेजिंग अमेजिंग थिंग क्या था कि जिस शिष्य, बिकॉज वी हैड सीन इन दिस स्टोरी अर्जुना, वो क्या करते थे, गुरु सबसे ज्यादा लव करते थे. और
भाग्य फेथ का, देखिए भाग्य का, लक जिसको फॉर्च्यून ने क्या किया कि जो बिलव्ड चाइल्ड था उसका, बिलव्ड पीपल था, उसी को क्या किया, उसके गुरु के अगेंस्ट में खड़ा करा दिया। एम आई राइट? सो नाउ आई होप अंडरस्टैंड, सारे बच्चे समझ गए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। एकलव्य वॉज डिटरमाइंड टू लर्न द मैजिकल आर्ट ऑफ आर्चरी फ्रॉम द्रोणा एंड वॉन्टेड टू बिकम द ग्रेट आर्चेरियन। फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फिर सेकेंड पार्ट उसमें देखो, द्रोणा रिफ्यूज टू टीच हिम बिकॉज ही वॉज लो बॉर्न एंड ही थॉट ओनली हाई बॉर्न पीपल व्हेन ही हैड शोन टैलेंट ऑफ हिज आर्चरी ही सॉक्ड देन ही आस्क्ड हिज राइट थंब एज गुरु दक्षिणा। ये जो था एकलव्य के प्रॉब्लम, उसके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम फेस हुआ, ये सेकेंड पार्ट है। अब देखिए थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में क्या है, गुरु टैलेंट कैसे इससे बाहर निकला, ओवरकम कैसे हुआ, थर्ड पार्ट है उस क्वेश्चन में। द गुरु टैलेंट इंस्पायर्ड हिम देन ही डिसाइडेड टू कार्व स्टैचू ऑफ हिम फॉर हिज ब्लेसिंग एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आर्चरी। ही लर्न टू शूट बाय हिज फोर लिम्स एंड रेज्ड आर्मी विद सेम स्किल्स बट नेवर गिव अप। उसने छोड़ा नहीं और उसने क्या किया इस लड़ाई में, क्या किया मतलब अपने जीवन के लड़ाई में सक्सेस हुआ एट लास्ट। अंत में हमने क्या देखा, ही हेल्प्ड हिज गुरु आल्सो इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र एंड ही बिकम अ ग्रेट आर्चेरियन। आई होप इट्स क्लियर। तो नाउ आई एम गोइंग टू ओवर दिस क्लास। स्टूडेंट्स इफ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क टू मी, क्लियर? सो नाउ टुडे द लिमिट्स ऑफ माइंड चैप्टर इज ओवर, नो एक्सरसाइज इज लेफ्ट एंड सो मेनी टेक्सचुअल एक्सरसाइज आर देयर एंड आई हैड गिवन यू। एम आई क्लियर? सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, मीन्स पोएम। ओके।